परम शांति बाबूजी, बाबूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम ज्ञान द्वारा क्या मन बुद्धि और संस्कारों का शुद्धिकरण करें, तो आत्मज्ञान अगर हो जाए तो इससे आवागमन जो आत्मा का जो जीवन और मृत्यु में होता रहता है क्या वो रुक सकता है? क्योंकि अभी ज़्यादातर मनुष्य जो है वो फिर से जीवन मृत्यु में आना नहीं चाहते, लेकिन शायद वो पुरुषार्थ क्या करें वो उनको पता नहीं है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पुरुषार्थ है। देखो, आत्मा पुनर्जन्म में नहीं आना चाहती और जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहती है, कर्म बंधन से छूटना चाहती है, ये तो हर कोई आत्मा चाहती है। बिल्कुल। मगर उसमें ज्ञान मार्ग के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता है, क्योंकि आत्मा के अंदर ही मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है, हर वीडियो में मैं कहता हूँ। और अनेकों जन्म के संस्कार, कर्म बंधन के कारण संस्कार उसके विपरीत कर्म हो चुके हैं और इसके पाप का आवरण कारण शरीर में रिकॉर्ड हो चुका है, बहुत अनेकों जन्मों का कारण शरीर में रिकॉर्ड हो चुका है, हर वीडियो में कहता हूं। अब इस बंधन से तुम्हें बाहर निकलना है, तो देवी देवताओं को याद करोगे तो उसके पास तो इतनी पावर नहीं है, और देवी देवता तो मैं हर वीडियो में कह चुका हूं मनुष्य बन चुके हैं। और हमारे ब्रह्मांड में, हमारा ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर को भी अगर तुम यथार्थ विधि नहीं ज्ञान है, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले शिव शंकर को एक मानते हैं और फिर शिव की बजाय शंकर को याद करते हैं, शिव को याद करना है, और निराकार ब्रह्म को ज्यादातर लोग मानते नहीं है। तो किससे तुम याद करो, याद माने योग करो, किसकी भक्ति करो, तो तुम्हें आत्मा में पावर आएगी। आत्मा में चाहिए ना पावर, क्या चाहिए? आत्मा में चाहिए पावर, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए आत्मा में चाहिए पावर। अब आत्मा में किससे पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे आत्मा तो पावर आएगा, तुम्हें हाई क्वालिटी पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हाई क्वालिटी पावर हाउस होगा उससे कनेक्शन जोड़ोगे तो तुम्हारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी ना। आत्मा में पावर खाद पड़ी, सतो रजो तमो हो गई है, सत्युग चेता द्वापर कलयुग की घूमते घूमते आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है। तो बाबूजी, यहाँ पे मन बुद्धि और संस्कार, इन तीनों का अगर शुद्धिकरण नहीं होता कोई भी व्यक्ति का, कोई भी आत्मा का, तो वो 100% ऊपर नहीं जा पाएगी। देखो, मन कैसे शुद्ध होगा? हर कोई चलता है मन को पवित्र बनाओ, इसलिए उपासना करते हैं, उपवास करते हैं, भक्ति मार्ग की जो हर विधि कर रहे हैं ना, मनुष्य चारों कर रहे हैं ना, भक्ति तो बढ़ी है ना, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, पहले से भक्ति बढ़ा है, भक्ति का ज्ञान भी बढ़ा है। मगर ज्ञान मार्ग में शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता होता है, क्या होता है? भक्ति मार्ग में वो बहुत बड़े व्रत तप, शरीर को दंड देना, भक्ति मार्ग में मंदिरों में अपने आप को रगड़ रगड़ के जाना कर रहे हैं ना अब, मगर ये इससे बस बढ़िया रास्ता हम बताते हैं। ज्ञान है कि तुम्हारी आत्मा में पावर हाउस में कमी हो जाएगी। आत्मा एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। आत्मा में अनेकों सूर्य की रोशनी, मैं एक एग्जांपल दूं, जो गैलेक्सी से आई हुई आत्मा है तो वो महाशिव समान है, क्या है? और उसके अंदर अनेकों सूर्य की रोशनी, जो यूनिवर्स से आई है तो ग्रेट, मतलब परम महाशिव है, वो कैटेगरी की आत्मा है। एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाशगंगा, तो वो दूर दूर से हमारे धरती पर सभी आए हुए हैं, गैलेक्सी से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, कोई बेहद की आत्मा भी है जो हम 9 लाख कहते हैं, तो वो बेहद की आत्मा भी ज्ञान ढूंढ रही है और भक्ति मार्ग में है। अभी उनको ज्ञान नहीं है कि आत्मा को बैटरी चार्ज कैसे करे, बैटरी चार्ज करने की है आत्मा की, और आत्मा ही कहाँ रहती वो भी पता नहीं। आत्मा माइंड के सेंटर पॉइंट में रहकर माइंड द्वारा शरीर को चलाती है, आत्मा ही शरीर को चलाती है, शरीर तुम्हारा साधन है, हर वीडियो में कहता हूं। अब मन को कंट्रोल करना है तो मन सुधरे तो बुद्धि सुधरे, मन पवित्र हो तो बुद्धि पवित्र हो, बुद्धि पवित्र हो तो संस्कार पवित्र हो, और संस्कार पवित्र हो तो कर्म पवित्र हो, कर्म पवित्र हो तो कर्मातीत अवस्था है। मगर जब तक आत्मा में पावर नहीं आता तब तक मन बुद्धि और संस्कार पवित्र नहीं हो सकते, शुद्धिकरण नहीं होगा, मन की शुद्धिकरण नहीं होगी। इसके लिए आत्मा में पावर चाहिए। आत्मा में पावर चाहिए तो मन को कहां लगा दो? मन को या पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो। पावर हाउस कौन है? वो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, वो ऊंचते ऊंच परम धाम में रहता है, निराकार स्वरूप में रहता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो, और सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, उसे कनेक्शन जोड़ो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर समझ के कनेक्शन जोड़ो, तो तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी, परम प्रकाश आएगा, परम प्रकाश आएगा तो कारण शरीर में जो अनेकों जन्मों का पाप रिकॉर्डिंग पड़ा है, कोई भी कर्म बंधन, कोई भी कर्म जो भी रिकॉर्ड पड़ा है कारण शरीर में, वो सब परम प्रकाश आएगा तो सारा विकर्म विनाश हो जाएगा, रिकॉर्ड भस्म हो जाएगा, कारण शरीर चार्ज हो जाएगा,
कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, कारण सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर सब, और मन बुद्धि और संस्कार भी पवित्र हो जाएगा, मन भी कंट्रोल में आ जाएगा बिना आत्मा की पावर, क्योंकि आत्मा के अंदर मन है। अब मन को तुम्हें आत्मा पावर लॉस हो गई है, आत्मा में पावर लॉस हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, तो मन भी तमो प्रधान बन गया है। जब मन तमो प्रधान बन गया है तो बुद्धि तमो प्रधान बन गई है, बुद्धि तमो प्रधान है तो संस्कार तमो प्रधान है, तो संस्कार तमो प्रधान है तो कर्म तमो प्रधान है। तो मनुष्य का जो आचरण है वो ज्ञान स्वरूप होना चाहिए, सिर्फ सुना नहीं, उसके ऊपर उसको फॉलो, केवल आत्मज्ञान नहीं, आत्मा आत्मस्वरूप की अनुभूति करना है। और आत्मस्वरूप की अनुभूति तब तक नहीं हो सकती जब तक आत्मा में पावर ना आए, और आत्मा में पावर आएगा उसके लिए ज्ञान चाहिए ना। आत्मा को किससे कनेक्शन जोड़े तो पावर हाउस से कनेक्शन आएगा, तो केवल ऑलमाइटी जोड़े वो पावर हाउस है, बेहद की कला का पावर है उसके पास। चलिए बाबूजी, ये आपने बढ़िया रास्ता बताया मन को शुद्ध करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, और हम तो यही चाहते हैं कि सभी आत्मा इस ज्ञान को समझे और ये जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए पुरुषार्थ करे, और आखिर सबको एक दिन तो ये ज्ञान हो ही जाता है जब शरीर छोड़ने का समय आता है उससे पहले पहले, कि जो हमने किया जीवन में वो इनफ नहीं था। तो खैर, ये जर्नी उनकी जल्दी शुरू हो जाए, वो आत्मज्ञान जल्दी उनको हो जाए, ताकि वो आने वाले समय में अपने ऐसे बढ़िया कर्म करें ताकि वो वापस ये आवागमन से रुक जाएं और ऊपर के लोक में स्थिर हो जाए या वो परमधाम चले जाएं, और सभी आत्माएं जो परम सुख का अनुभव करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो सभी श्रोताओं से इस वीडियो को लाइक करने, शेयर करें, कमेंट करें अच्छे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस वीडियो के एंड में जो लिंक आएगी वो दुनिया तक पहुँचाएँ और इसको आगे फॉलो करते रहें। बाबूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।